अच्छा जी, कल हमने थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट की थी। आज उसको आगे लेकर चलते हैं एसपीआर को, और कुछ थोड़ा सा कंप्यूटर करते हैं बेसलाइन स्ट्रक्चर का। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं बेसलाइन की कॉन्फ़िगरेशन में, उसी को इंशाल्लाह भी हम काउंट करते हैं। अच्छा जी, कल हमने एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में तीन चार चीज़ों को कंफिगर किया था, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की दो तीन चीज़ें थी जिसमें हम कंपनी कोड तक पहुंच गया। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है वो कुछ ऐसा है कि हम जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाके जीएल अकाउंटिंग में जाएंगे, जीएल अकाउंटिंग में मास्टर डेटा खोलेंगे और उसकी प्रिपरेशंस की तरफ जाएंगे। प्रिपरेशंस की जो कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या करते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपके बैकबोन होता है, पूरी कंपनी का बैकबोन आपका चार्ट ऑफ अकाउंट होता है। क्योंकि अभी हमने यहाँ कुछ नहीं बनाया, न्यू एंट्रीज करेंगे T28, गैलस था और गैलस पैनलस, गैलस था गैलस पैनलस था पैनलस तो मेंटेनेंस लैंग्वेज की इंग्लिश होगी। लेंथ इसके अकाउंट जीएल अकाउंट नंबर की 5 होगी, मैक्सिमम आप 10 दे सकते हैं। सेव कर देंगे। ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स होंगे तो हम ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी यहाँ पे दे सकते हैं। जब आपने ग्रुप लेवल पे रिपोर्टिंग कर रहे हो तो यहाँ पे ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट आपके बनते हैं। उसके बाद ये बन गया, अभी सिर्फ खाली है, हमने सिर्फ इसको डिफाइन किया है। अब इसको हम जाके असाइन भी करेंगे, अभी कुछ नहीं, सिर्फ असाइनमेंट करेंगे। अभी अंदर इसके कुछ नहीं, अंदर हम अगले उसको करेंगे। हम जाएंगे T28T कंपनी कोड पे, यहाँ पे रिगेलस है, ठीक है, वही हम T28T डाल देंगे, एंटर करेंगे। ये आपका कंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट है, इसको अभी हमने खाली रखा हुआ है। चार्ट ऑफ अकाउंट आपका यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो रिक्वेस्ट है वो हो चुके हैं। फाइनल ग्रुप T28T, उसके बाद अकाउंट ग्रुप चाहिए हमें। अकाउंट ग्रुप जो है ये है वो असल जो हम अब करने जा रहे हैं। T19 का मैं निकालता हूँ, आपको सारा समझाता हूँ। T26 का बिल्कुल मैं निकालता हूँ, T27 का भी बना हुआ है, T27 जीरो बैलेंस अकाउंट एडजस्ट। T27 इज गुड, इट्स मच बेटर। अब मैं इसको एक एक करके आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं इसे कॉपी करूंगा, ठीक है। पहले मैं इसे कॉपी करूंगा, कैसे, इसको चेक बॉक्स लगा के और कॉपी एज T28T अच्छा जी, ये मैंने कर दिया। 15 इसमें लाइन आइटम्स मैंने जो है वो डाल दिया। अब ये क्या बन रहा है बेसिकली आपका, व्हाट वी आर मेकिंग इज चार्ट ऑफ अकाउंट्स। व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट? चार्ट ऑफ अकाउंट्स इज द बैकबोन ऑफ योर एंटायर कंपनी, ठीक। और बैकबोन आई मीन क्या है कि यहां पे आप अकाउंट्स जब बना रहे हैं, ये जो आप डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स,
इसके अंदर आप जीएल अकाउंट्स, फिर उसका मास्टर डेटा बनाएंगे इन नंबरिंग रेंज को लेकर. यू विल बी डिफाइनिंग द जीएल अकाउंट्स यूजिंग दीज नंबरिंग रेंजेस. आपके कंपनी में क्या चाहिए होता है? पूरा एक स्ट्रक्चर आपको चाहिए होता है जो आपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में डिफाइन करना है. ठीक. हाँ, अलबत्ता इसमें एक चीज जो मिसिंग है, वो प्रोडक्शन के अकाउंट्स हैं, वो फिलहाल हम यहाँ नहीं करेंगे. लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने जीरो बैलेंस अकाउंट्स क्यों इस्तेमाल करेंगे, विल टॉक अबाउट दिस लेटर. व्हाट आर जीरो बैलेंस अकाउंट्स, इट विल बी कवर्ड व्हेन वी आर कवरिंग डॉक्यूमेंट स्प्लिट एक्ट. देन एडजस्टमेंट अकाउंट्स. एडजस्टमेंट अकाउंट्स कौन से होते हैं? दीज अकाउंट्स आर यूज्ड फॉर मंथ एंड ईयर एंड एक्टिविटी. ठीक है, इनको हम मंथ एंड और ईयर एंड की एक्टिविटी, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स कॉन्फ़िगरेशन, टैक्स पोस्टिंग्स, अनपोस्टेड इनवॉइसेस, अनपोस्टेड डेप्रिसिएशन या अनप्लान्ड डेप्रिसिएशन, दैट इज पोस्टेड इन दीज एडजस्टमेंट अकाउंट्स. ठीक है, रिकरिंग एंट्रीज होती हैं, वो भी आप पोस्ट करते हैं. एसेट्स, अब इसमें एक्विजिशन के अकाउंट्स अलग होंगे, डेप्रिसिएशन के अलग होंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अलग होंगे, लेकिन दैट विल बी कवर्ड इन एसेट्स अकाउंट इन द फैमिली. ठीक, इन द एसेट्स फैमिली. इसी तरह लिक्विड फंड्स, व्हाट आर दीज अकाउंट्स फॉर इक्विटी. ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या रिटेन अर्निंग्स, वो यहाँ से बनेगा. क्लियरिंग अकाउंट्स, इस पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे. इक्विटी का अलग से वैसे बना हुआ है, यहीं से हम बनाएंगे. लिक्विड फंड्स, इसमें आप कैश कभी डाल सकते हैं, बैंक्स कभी डाल सकते हैं. एक्सपेंस, जीएल, मटेरियल अकाउंट्स. अब मटेरियल अकाउंट्स में आपके पास रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड, ये तो बहुत, दीज आर ब्रॉड अकाउंट्स. लेकिन इसमें फिर इनकी मूवमेंट होगी ना, स्टोरेज टू स्टोरेज, प्लांट टू प्लांट, फिर उसके बाद रिजर्व स्टॉक, अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक, फिर उसमें वो मटेरियल जो आपने वापस करना है या कंज्यूम करना है, कंजम्पशन के अकाउंट्स भी आपके इसमें मटेरियल में आ जाएंगे. ये उसका आप अलग से भी बना सकते हैं. मिसलेनियस अकाउंट है, इनकम है, इनकम अकाउंट्स है जिसमें आप रेवेन्यूज बुक करेंगे. रिकॉन अकाउंट्स है जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे. सेकेंडरी जीएल, ये आपके प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होंगे. टैक्स विद होल्डिंग टैक्स, ये अलग हमने इसी कैटेगरी बना के रख दी है, सेव किया. ये एक मैंने आपको खदो खाल दी, जब आपके प्रोजेक्ट में जब आप जाएंगे तो ये आप अपने क्लाइंट से मांगेंगे कि किस तरह का उनका चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनेगा या बना हुआ है. दिस विल बी योर ड्यूटी टू आस्क योर क्लाइंट एंड चैलेंज द क्लाइंट ऑन देयर चार्ट ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, ये बनाने के बाद फिर हम अगले स्टेप पे जाएंगे, और वो क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट का. वी विल डिफाइन रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट इन द सेम चार्ट ऑफ अकाउंट. ठीक है, यहाँ पे मैं डालूंगा एक्स, और एक्विटी के हमने अकाउंट ग्रुप में, एक्विटी के ग्रुप में हमने इक्विटी का जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जो एक ग्रुप बनाया था, उसमें जो पहला आपका नंबरिंग रेंज था वो 220,000 का था, इस रेंज का था. तो इसको हम सेव कर देंगे, इसने वार्निंग दी है, कोई मसला नहीं. एंटर करेंगे और यहाँ पे हम इसे सेव कर लेंगे. ठीक है, ये आपका हो गया. अच्छा, इसके अब इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और मैं आपको, अगर आप फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं आपको आईएनटी का बताता हूँ. आई एन टी बाई डिफॉल्ट एक आपका चार्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप बना है, और यहाँ पे अगर आप देखें, ये चार्ट ऑफ सैंपल चार्ट ऑफ अकाउंट है. दिस इज सैंपल चार्ट ऑफ अकाउंट, और आप इसमें यू कैन सी के कितने इंडिकेटर्स में लोगों ने अपने लिए ये अकाउंट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं. जिसका मतलब ये है कि इन चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आप एक से ज्यादा भी रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट दे सकते हैं. तो आपका ये जो इंडिकेटर है ना, ये फिर इस्तेमाल होगा. ठीक है, ये इंडिकेटर्स इस्तेमाल होंगे तो ये फेच करके ले आएगा. ठीक है, लेकिन इससे फिर एरर होने के चांसेस जरा ज्यादा होंगे. ठीक है, ये तो होगी एक चीज. अब आते हैं हम फिर से दोबारा एंटरप्राइज पे. डेफिनेशन में हमने क्या क्या चेक कर लिया था? कंपनी, ट्रेड कंट्रोल एरिया, कंपनी कोड, एंड आफ्टर दैट वी डिफाइन चार्ट ऑफ अकाउंट्स. अब चलते हैं हम मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया पे. मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, ये हम किस तरह करेंगे? डबल क्लिक मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, न्यू एंट्रीज. अच्छा जी, न्यू एंट्रीज में वो क्या करें? कंट्रोलिंग एरिया, इसका मैं आपको हायरार्की सारा, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द हायरार्की.
ऑफ कंट्रोलिंग एरिया, कंपनी कोड, प्रॉफिट सेंटर, ऑपरेटिंग कंसर्न, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको स्ट्रेट अवे लेकर चलता हूँ। तो क्या कहेगा, डेटा इन कंपनी कोड नॉट मेंटेन, आई विल से ओके, आई विल गो बैक। इसको करते हैं एग्जिट यहां से, एग्जिट, कैंसिल किया, एग्जिट करेंगे। अच्छा, आप वो कह रहे हैं कि डेटा आपके पास पूरी तरह मेंटेन नहीं है, सो वेयर विल आई मेंटेन द एफ आई डेटा या कंपनी कोड डेटा, ग्लोबल सेटिंग से जाओगे। ठीक है, ग्लोबल पैरामीटर्स, दिस इज वेयर वी सी ग्लोबल पैरामीटर्स, जहां से हम क्या चेक करेंगे, कंपनी के जो डिटेल्स हैं वो कैसे मेंटेन हुई हुई है। T28T इस्लामाबाद गैलस, ओके, कंपनी T28 ज्यूलैंडर पैनलस ग्रुप, ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल एरिया T28 क्रेडिट कंट्रोल एरिया, ठीक है। अच्छा जी, फिस्कल ईयर वेरिएंट K4, इसके बाद अब प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगा जो पहले आ रहा था, ठीक है। K4 डाल के मैं आगे चलता हूं, अगर तो उसमें मेरे पास आएगा और थोड़े से और चेक्स आएंगे जो मैं जिन्हें करूंगा, जिसमें डिफाइन डिफॉल्ट वैल्यू डेट, प्रपोज फिस्कल ईयर, प्रपोज फिस्कल ईयर जब मैं एंट्रीज करता हूँ एट द टाइम ऑफ एंट्री इट विल गिव मी फिस्कल ईयर ऑटोमेटिकली, वो खुद ही बता। जी हेलो, सर जी, ये जो अभी हम डिफाइन कर रहे हैं जो सारे चेक्स हैं, ये क्या चीज पैरामीटराइज करती है, मतलब इससे क्या अप होता है आगे इंपैक्ट? ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम कंपनी कोड जो है ना आपका, इसकी चीजों को भी डिफाइन कर, इसके खदोखाल को भी हम डिफाइन कर रहे हैं। वी आर डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी कोड T28T, और जब भी इस कंपनी कोड में एंट्रीज होंगे एट द टाइम ऑफ एंट्री दीज आर द चेक्स के, हाँ जी, इसमें प्रपोज करें फिस्कल ईयर, वैल्यू डेट डिफाइन करें, फिर उसके बाद आएगा डिस्काउंट फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंटिंग एक्टिव, आई सर, ये थिंक। कंपनी अकाउंट बताता है, मतलब जो कंपनी वाला बताता है जिसके लिए हम काम कर रहे होते हैं, या हमें खुद ये चूज करना पड़ता है कुछ चीजें आपने खुद ये? करनी होती हैं, कुछ चीजें आपने खुद करनी होती हैं, जैसे यहाँ पे टैक्स बेसिस नेट वैल्यू आपको कंपनी बताएगी, डिस्काउंट बेसिस नेट वैल्यू कंपनी विल टेल यू, फिर उसके बाद परचेज अकाउंटिंग जो प्रोसीजर वो आपको क्लाइंट बताएगा, ठीक है। जेवी अकाउंट अगर जॉइंट वेंचर है वो आपको क्लाइंट बताएगा। अमाउंट स्प्लिट एनेबल, यस, ये मैं खुद से कर सकता हूँ। नेगेटिव पोस्टिंग्स क्लाइंट बताएगा, लेकिन आप पहले उसको कर लें। नेगेटिव पोस्टिंग्स क्या होती है कि डेबिट ही के कॉलम में आप नेगेटिव डेबिट डाल दें ताकि उसको आप नॉक ऑफ कर सकें, ठीक है। कुछ चीजें आप खुद डालते हैं, कुछ चीजें आपको क्लाइंट आपको समझाता है ये चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ बिजनेस एरिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, इसको मैंने अब अच्छा ये हो गया। उसके बाद अब मैं जाऊंगा जो अगला जो हम स्टेप था हमारा जो हम मिस कर रहे थे, अगला जो हम स्टेप कर रहे थे वो था आपका कंट्रोलिंग का, ठीक है। कंट्रोलिंग में हम जाके क्या करेंगे, वी विल डिफाइन कंट्रोलिंग, और उसमें वो एरर नहीं आएगा। एरर क्या आ रहा था, डेफिनेशन का, कंट्रोलिंग का, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, यहां पे न्यू एंट्रीज, कंट्रोलिंग एरिया इज इक्वल टू कंपनी कोड T28T, इसका भी लॉजिक मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। यहाँ पे ये सारी चीजें उठा के खुद से ले आएगा, पहले एरर दे रहा था अब नहीं देगा। लीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन, अभी मैं सैंपल INT ही उठा रहा हूँ, इसको हम बाद में आके चेंज कर देंगे। सेव किया,
ओके यहाँ पे कह रहा है कि एक चीज मिस हो गई है, वो थी कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड सेफ ये सेव किया, ये सेव हुआ। अच्छा उसके बाद अब इसके बाद जो अगला स्टेप है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या है ओके के पी का नेक्स्ट स्टेप इज ओके के पी आफ्टर डिफाइनिंग कंट्रोलिंग एरिया, जहां पे अगेन कंट्रोलिंग एरिया आएगा लेकिन पहले से डिफाइंड होगा, प्री डिफाइंड कंट्रोलिंग एरिया होगा और मैं वहां से जाके डबल क्लिक करूंगा। यहाँ पे मुझे एक नया मुझे जो है फील्ड दे रहा है कॉस्ट सेंटर स्टैंडर्ड हायरार्की, उसको मैं T28 T कर दूंगा। वो कहेगा कि आपका स्टैंडर्ड हायरार्की इज नॉट क्रिएटेड, स्टिल यू वांट टू क्रिएट, आई विल से यस। ओके देन आई विल गो टू एक्टिवेट कंपोनेंट्स कंट्रोल इंडिकेटर, अगेन आई विल से यस। और यहां से फिर मैं न्यू एंट्रीज करके फिस्कल ईयर कौन सा दूंगा 2022 या 2021, कॉस्ट सेंटर कंपोनेंट विल बी एक्टिव और इसके अलावा सेल्स ऑर्डर कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स विल बी एक्टिव, सेव। इसके बाद सेव करने के बाद मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, आई विल प्रेस कंटिन्यू एंड एंटर और फिर असाइनमेंट ऑफ कंपनी कोड में यहां पे कर दूंगा ताकि आपका जो है 38T ये लग जाएगा। एंटर किया, यहां पे रिगालस उठा के ले आया। ठीक है अब इसकी ये उठा के क्यों लाया और इसने कैसे यहां पे एक्सेप्ट कर लिया, कंट्रोलिंग वन कंट्रोलिंग एरिया कैन हैव मल्टीपल कंपनी कोड्स इफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स एंड फिस्कल ईयर वेरिएंट आर सेम फॉर द कंपनी कोड्स, यानी अगर आपका एक कंट्रोलिंग एरिया ना, कंट्रोलिंग एरिया होता क्या है जिसमें आप कॉस्टिंग भी करते हैं, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग भी करते हैं और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अपने एरियाज होते हैं जहां से वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट के अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जा सकते हैं, डिजाइन किए जा सकते हैं इंक्लूडिंग प्रोडक्ट कॉस्टिंग। तभी उसने मुझसे स्टैंडर्ड हायरार्की कॉस्ट सेंटर की मांग, तो यहाँ पे मैं मल्टीपल कंपनी कोड्स भी लगा सकता हूँ अगर दो चीजें इसमें एक हो, यानी चार्ट ऑफ अकाउंट्स एक हो और फिस्कल ईयर वेरिएंट एक हो। फिस्कल ईयर वेरिएंट क्या है, जैसे पाकिस्तान में फिस्कल ईयर वेरिएंट जुलाई टू जून है, अमेरिका में जनवरी टू दिसंबर है, कुछ मुल्कों में जैसे लैटिन अमेरिका वहां पे अप्रैल टू मार्च है। ठीक है तो ये फिस्कल ईयर वेरिएंट्स होते हैं, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। इसको मैंने किया सेफ, सेव किया, एंटर। ओके अब आ गए हम लोग बाहर, सीआरओ पे जाता हूं। आप लोगों में से कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है वैसे ये बताएं, कोई भी नहीं कर रहा इसको? सर मैंने तो आपको थोड़ा सा बताया था कि मैं थोड़ा सा जो है रिलीजियसली मेरी कुछ चीजें चल रही थी, तो इंशाल्लाह मैं जो है वो अच्छा कल से स्टार्ट करूंगा। ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा जी अब आते हैं ऑपरेटिंग कंसर्न की तरफ, लास्ट स्टेप फॉर आवर लेक्चर। मैं आऊंगा आप कंट्रोलिंग की तरफ, वी विल बी डिफाइनिंग एंड सेटिंग अप ऑपरेटिंग कंसर्न फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस इन स्ट्रक्चर्स, डिफाइन ऑपरेटिंग कंसर्न एंड मेंटेन ऑपरेटिंग कंसर्न। ऑपरेटिंग कंसर्न क्या होता है ये मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा। यहां से मैं जाके ऑपरेटिंग कंसर्न को क्रिएट करूंगा, क्रिएट कंटिन्यू। अच्छा T28T ऑपरेटिंग कंसर्न एनालिसिस। एनालिसिस
operating concern, hosting based, account based. अगले लेक्चर पे आपके साथ बात करूंगा. एंटर. अब यहाँ पे एक्टिवेटेड नहीं है तो एक्टिवेट करने के लिए मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा. नेक्स्ट स्टेप इज डेटा स्ट्रक्चर्स. ये स्ट्रक्चर्स के इसको मैं अगली क्लास में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और वैल्यू फील्ड्स क्या होती है. अभी सिर्फ मैं आपको डिफाइन करके बता दूंगा. सेल्स क्वांटिटी, रेवेन्यू, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट. एंटर. एक्टिवेट. It will take some time, but आपका ये स्टेटस इसका एक्टिव हो गया. आई गो बैक. अच्छा, एट्रीब्यूट्स में आ जाए. अभी भी एक्टिव नहीं हुआ. ये वाला एक्टिव हो गया, ये वाला एट्रीब्यूट ये वाला नहीं हुआ. ऑपरेटिंग कंसर्न करेंसी यूएसडी, फिस्कल ईयर वेरिएंट K4, कंपनी कोड करेंसी और सेव एट्रीब्यूट सेव. एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में जाके इसको मैं ये वाला एक्टिवेट यहां से कर दूंगा. इट विल टेक सम टाइम. जी सर, अगर प्रैक्टिस के साथ मैं से वापस शुरू करना चाह रहा हूँ कि अपनी थोड़ा सा जोर से बात करें, अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाह रहा हूँ एक चीज कि थोड़ा सा जोर से जरा बात करेंगे. हेलो सर. जी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है. सर मैं अपनी नॉलेज के लिए एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अगर स्टेप बाय स्टेप जैसे कि आपने चलाया क्योंकि हमने एक आध रन तो करके देखा है, मैंने भी रन करके देखा है तो उसमें सही चीजें चल रही थी. सर अगर तो जो चीज मैं इम्प्लीमेंट करूं और उसको मैं अगर बुक से रीड आउट करूं तो क्या डिफरेंस आता है इसमें? मुझे आपकी आवाज अब तो क्लियर नहीं. थोड़ा सा जोर से बात कर, सवाल जरा दोहराएं फिर से. सर अगर तो मैं जो हूँ अपना स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस बंद कैसे रही, अगर उसके साथ मैं उसका जो एसीपी का वो रेफरेंस के तौर पे पढ़ूं तो क्या बेनिफिशियल हो? नहीं, मैं आपका सवाल समझ नहीं पा रहा हूं. क्या आपकी आवाज मैनुअल है ना एसीपी का? मध्यम बहुत आ रही, बहुत दूर से आ रही है आपकी आवाज.